तो सो यूपीआई की तरफ से नई सुविधा दे दी गई है। अगर आप अपना कैश निकालना चाहते हैं एटीएम से, तो अभी तक आपको एटीएम कार्ड ले जाना होता था, एटीएम कार्ड लगाना होता था, लेकिन यहां पर एक नई फैसिलिटी यानी कि नई सुविधा दे दी गई है। अगर आप अब कैश निकालना चाहते हैं तो क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पैसे निकाल सकते हैं। जिस तरह से आप अभी तक किसी को पेमेंट करते थे क्यूआर कोड को स्कैन करके, उसी तरीके से आप अपने फोन पे, गूगल पे, भीम ऐप जैसे ऐपों का यूज करके आप अपना जो कैश है वो निकाल सकते हैं। आपको एटीएम कार्ड लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं एटीएम में कैसे आपको क्यूआर कोड स्कैन करके पैसे निकालने हैं। आपको लाइव पूरा प्रोसेस मैं आपको दिखाता हूं। चलिए दोस्तों, चलते हैं स्क्रीन पर और दिखाता हूं आपको पूरा प्रोसेस। तो दोस्तों, ये बैंक ऑफ बड़ौदा का एक एटीएम है, इसमें ये सुविधा दी गई है कि आप क्यूआर कोड के जरिए पैसे निकाल सकते हैं। तो यहां पर देखिए लिखा हुआ दिखाई देगा यहां पर कार्डलेस विड्रॉल, और यहां पर जैसे आप क्लिक करेंगे कैश विड्रॉल थ्रू यूपीआई क्यूआर, तो यहाँ पर आपको सीधे अमाउंट डालना है। उस पर क्लिक करने के बाद जो भी अमाउंट आप निकालना चाहते हैं, 5000 मैक्सिमम डाल सकते हैं। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक क्यूआर कोड इस तरह का आ जाएगा। यहाँ पर आपको क्यूआर कोड को अपने किसी भी ऐप से, जैसे कि भीम ऐप हो गया आपका, गूगल पे, फ़ोनपे आदि से स्कैन करना है यूपीआई जो भी ऐप से आपका लिंक हो, और उसके बाद आपको अपना पिन डालना है और आपका जो कैश है वो विड्रॉल होना चालू हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, बस आपको अपना पिन डालना है और स्कैन करने के बाद, और आपका जो कैश है वो निकलना एटीएम से चालू हो जाएगा कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ से सक्सेस हो चुका है और प्लीज वेट लिखा हुआ आ रहा है, प्रोसेसिंग और ट्रांजेक्शन लिखा हुआ आ रहा है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर एटीएम से फाइनली जो कैश है वो भी सामने आ चुका है निकल करके। तो यहाँ से इस तरह से आप अपना कैश निकाल सकते हैं एटीएम के थ्रू। देखिए, हमने यहाँ पर कैश भी सक्सेसफुली निकाल लिया है।